कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी आवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी जमीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं है, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के जमीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के नाम अहम पैगाम दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि अवाम से 27 मार्च को साथ देने की अपील करता हूं, अवाम की चोरी के पैसे से जमीर खरीदे जा रहे हैं। अल्लाह बदी के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़ा होता है और उसके खिलाफ खड़ा होने का हुक्म देता है। मुल्क में डाकुओं का टोला अवाम को लूट रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के नाम अहम पैगाम दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम 27 मार्च को साथ देने की अपील करता हूं।